तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है, व्हाट इज मेम्ब्रेन एंड इट्स टाइप को स्टार्ट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वाटर प्यूरिफिकेशन में आप लोग मेम्ब्रेन के बारे में जरूर सुने होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इस मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से समझेंगे कि ये मेम्ब्रेन क्या होता है और इस मेम्ब्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसका कितना साइज होता है और कितने साइज तक के इंप्यूरिटीज को रिमूव करता है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेम्ब्रेन एक बैरियर होता है, यानी कि बैरियर का मतलब होता है बाधा होता है, जो कि अपने अंदर से पानी के अंदर का इंप्यूरिटीज को पास होने नहीं देता है। यानी कि अपने अंदर से केवल पानी को पास होने देगा और पानी के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है, चाहे हमारा साल्ट हो, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह हो, वो अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। वो मेम्ब्रेन के एक साइड में ट्रैप हो जाता है और जो हमारा वाटर है वो केवल हमारा दूसरी साइड से निकल जाता है। और ये जो हमारा मेम्ब्रेन है वो कैसे बनाया जाता है, तो ये हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक का एक सीट रहता है जिसके अंदर बहुत छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे-छोटे होल्स होते हैं, उसको वाउंड करके हमारा ये मेम्ब्रेन को तैयार किया जाता है। और इस सिंथेटिक सीट्स के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं या जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसी पोर्स के साइज के अकॉर्डिंग इस मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी कि पोर साइज के अकॉर्डिंग ये जो हमारा मेम्ब्रेन है वो मेनली चार टाइप का होता है। तो यहां पे मैं राइट डाउन कर दे रहा हूं, मेम्ब्रेन का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा चार टाइप का होता है। तो देखिए, पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं MF, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, पहला हो गया। और दूसरा होता है UF, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीसरा होता है NF, यानी कि नैनो फिल्ट्रेशन। और लास्ट यानी कि चौथा होता है हमारा RO, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हमारा चार टाइप का मेम्ब्रेन होता है, जिसमें पहला होता है माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, दूसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तीसरा होता है नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और चौथा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। और अगर हम लोग इसका साइज की बात करें तो माइक्रो का जो साइज होता है, माइक्रो का इसका मतलब होता है कि 0.1 माइक्रोन का हमारा मेम्ब्रेन का साइज होगा। वही अगर UF की बात करें तो इसका होता है 0.01 माइक्रोन का इसका साइज होता है। हमारा नैनो का मतलब हो गया कि इसका जो साइज होगा वो 0.001 माइक्रोन का साइज होगा। और ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, इसका जो साइज होता है वो 0.001 माइक्रोन का साइज होता है। नॉर्मली हमारा 0.0005 माइक्रोन का लगा रहता है। तो देखिए, यहां पे हमने मेम्ब्रेन का साइज राइट डाउन कर दिया है। ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू होता है कि अप्रोक्स इतना ही रहता है। यानी कि अगर हमारा माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इसका जो साइज होगा वो अप्रोक्स 0.1 माइक्रोन तक रहता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो मेम्ब्रेन होता है उसका जो अप्रोक्स साइज है वो 0.01 माइक्रोन होता है। नैनो फिल्ट्रेशन का जो मेम्ब्रेन है उसका 0.001 माइक्रोन होता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस का जो मेम्ब्रेन होता है उसका साइज 0.0001 माइक्रोन होता है। तो देखिए, अभी हम लोग 0.1 माइक्रोन यानी कि माइक्रो फिल्ट्रेशन का जो मेम्ब्रेन है उसका साइज कितना है, 0.1 माइक्रोन है। इसका मतलब क्या हो गया इसको समझते हैं। देखिए, इस मेम्ब्रेन का साइज कितना है, 0.1 माइक्रोन है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, बैरियर का काम करता है। यानी कि पानी के अंदर जो इंप्यूरिटीज है उसको बैरियर
करेगा उसको रोकने का काम करता है। तो सिमिलरली अगर हमारा 0.1 माइक्रोन का मेम्ब्रेन है, इसका मतलब कि पानी के अंदर से 0.1 माइक्रोन से ऊपर जो भी पार्टिकल्स है, जो भी इंप्यूरिटीज है, उसको बैरियर करे, उसको रोकने का काम करेगा, और 0.1 माइक्रोन से छोटे जो पार्टिकल है उसको अलाउ करेगा, पास कर देगा, अपने अंदर से पास हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि 0.1 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल है वो हमारा यहां से पास आउट होगा और इसके ऊपर जो भी पार्टिकल है वो ट्रैप हो जाएगा। तो इससे ऊपर नॉर्मली कौन कौन सा देखने को मिलता है, तो पानी के अंदर जो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड, इस सस्पेंडेड सॉलिड का जो साइज होता है इससे क्या होगा, बड़ा होता है। इसलिए हमारा माइक्रो फिल्ट्रेशन के अंदर ये जो सस्पेंडेड सॉलिड होगा, पानी के अंदर जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होगा वो ट्रैप हो जाता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है माइक्रो फिल्ट्रेशन के मेम्ब्रेन के साइज से बड़ा होता है, इसलिए ये ट्रैप हो जाएगा। और क्या ट्रैप होता है, तो पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया भी यहां पे ट्रैप हो जाता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो कितना होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो साइज है वो हमारा होता है 0.4 से लेकर के 1 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। तो इसका साइज कितना है, 0.4 से लेकर के 1 माइक्रोन तक है। इसका मतलब कि ये क्या है, हमारा 0.1 से बड़ा है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो यहां पे ट्रैप हो जाएगा। यानी कि पानी के अंदर से अगर हम लोग को केवल सस्पेंडेड सॉलिड और बैक्टीरिया को रिमूव करना है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो माइक्रो फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे। तो देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मेम्ब्रेन का साइज है वो कितना है, 0.01 माइक्रोन है। इसका मतलब कि ये क्या होगा, ये दोनों तो ट्रैप करेगा ही करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या ट्रैप करेगा, यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड को ट्रैप करेगा, दूसरा बैक्टीरिया को ट्रैप करेगा, और तीसरा जो ये ट्रैप करता है वो किसको ट्रैप करता है, तो पानी के अंदर जो वायरस होता है उसको भी ट्रैप करने का काम करता है, क्योंकि इस वायरस का जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोन से छोटा होता है। तो अगर छोटा है तो वो कहां ट्रैप होगा, इसके अंदर ट्रैप नहीं होगा, वो निकल जाएगा, इस मेम्ब्रेन से निकल जाएगा। तो अगर हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाएंगे तो यहां पे जो वायरस है वो ट्रैप हो जाता है। तो इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज हम लोग कहां पे करेंगे, तो देखिए जहां पे हमारा सस्पेंडेड सॉलिड एंड बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस को भी रिमूव करना है, उस जगह पे हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। और देखिए हमारा जो नेक्स्ट फिल्ट्रेशन है वो क्या है, नैनो फिल्ट्रेशन, जिसके मेम्ब्रेन का साइज है 0.001 माइक्रोन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा मेम्ब्रेन है वो सस्पेंडेड सॉलिड को भी ट्रैप करेगा, बैक्टीरिया को भी ट्रैप करेगा, वायरस को भी ट्रैप करेगा, क्योंकि इसका जो साइज है वो वायरस के मेम्ब्रेन, वायरस का जो साइज है उससे भी इसका साइज छोटा होता है, इसलिए ये तीनों चीज तो ट्रैप होगा ही, उसके बाद क्या ट्रैप होगा। इसके साथ साथ पानी के अंदर जो साल्ट्स होते हैं, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम का जो साल्ट्स है उसको भी ट्रैप करने का काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कैल्शियम, कैल्शियम पे क्या होता है 2+ होता है, मैग्नीशियम पे भी क्या होता है 2+ होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवैलेंट, यानी कि डाइवैलेंट जो भी आयंस होते हैं उसको ट्रैप करने का ये जो हमारा नैनो फिल्टर है वो काम करता है। जैसे हमारा कैल्शियम का मान लीजिए सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, या मैग्नीशियम का जो सल्फेट है इसको ट्रैप करने का जो काम करेगा वो क्या करेगा, नैनो फिल्ट्रेशन द्वारा जो कैल्शियम मैग्नीशियम का जो साल्ट है उसको हम लोग ट्रैप कर लेंगे। लेकिन पानी के अंदर जो हमारा कॉमन साल्ट होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, इसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसका साइज कितना होता है, तो 0.0007 माइक्रोन होता है। तो देखिए इसका साइज कितना है, यानी कि नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का जो साइज है वो कितना है, 0.001 माइक्रोन है, जबकि जो हमारा साल्ट होता है, जो कॉमन साल्ट होता है, इसका जो साइज है वो कितना है, 0.0007 माइक्रोन है। यानी कि इस फिल्ट्रेशन, इस मेम्ब्रेन द्वारा ये चीज हमारा क्या होता है, छोटा होने की वजह से पास हो जाता है। तो इसको हम लोग ट्रैप नहीं करेंगे, लेकिन जो कैल्शियम मैग्नीशियम का जो साल्ट है उसको हम लोग यहां पे ट्रैप कर लेंगे, यानी कि इस पे हमारा क्या है, 2+ है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डाइवैलेंट। और इस पे हमारा सोडियम पे क्या होता है, केवल प्लस होता है, एक ही होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट। तो हमारा जो डाइवैलेंट साल्ट्स होते हैं, डाइवैलेंट जो आयन होते हैं, उसको हम लोग नैनो फिल्ट्रेशन द्वारा ट्रैप करेंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि नैनो फिल्ट्रेशन द्वारा पानी के अंदर का हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। और ये जो हमारा कॉमन साल्ट है, यानी कि जो मोनोवैलेंट है, वो कहां पे ट्रैप होगा, तो देखिए यहां पे ट्रैप होगा, क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन का साइज है वो कितना है, 0.001 माइक्रोन है, और इसका साइज कितना है, 0.0007 माइक्रोन है।
है, यानी कि ये जो हम लोग का रिवर्स ऑस्मोसिस में जो हमारा मेम्ब्रेन का जो साइज होता है, हमारा जो साल्ट होता है कॉमन साल्ट के साइज से भी छोटा होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो मेम्ब्रेन का साइज जो रिवर्स ऑस्मोसिस में होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उससे केवल पानी ही पास हो सकता है, यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उससे थोड़ा सा ही बड़ा होता है, बाकी वो और किसी भी चीज से वो अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। तो हम लोग का रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है पानी के अंदर से जितने भी इंप्यूरिटीज है, यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड, बैक्टीरिया, वायरस, या हमारा जो डाइवेलेंट या मोनोवेलेंट, ये किसी भी चीज को पास नहीं होने देता है, केवल जो पास होने देगा वो केवल हमारा वाटर को पास होने देगा। तो इस तरह से हमारा मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन है। तो अभी मैं यहाँ पे एक चार्ट बना दे रहा हूं जिससे आपको इजीली ये सब चीज माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक चार्ट तैयार किया है जिसके द्वारा हम लोग समझेंगे कि जितने भी हमारा मेम्ब्रेन यूज होता है उस मेम्ब्रेन द्वारा क्या क्या चीज ट्रैप होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखा हूं वाटर, दूसरा है हमारा मोनोवेलेंट जिसमें हमारा आता है सोडियम और क्लोराइड आता है। मल्टीवेलेंट का मतलब होता है, मल्टीवेलेंट आयंस का मतलब होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है वो हमारा मल्टीवेलेंट में आ गया। हमारा ये क्या चीज है, वायरस है, एक हमारा बैक्टीरिया लिखा हूं, एक हमारा सस्पेंडेड सॉलिड है, और इधर क्या लिखे हैं हम लोग, चारों फिल्ट्रेशन जो भी हमारा मेम्ब्रेन है, जिसमें हमारा पहला क्या है माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तीसरा नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और चौथा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर इसका साइज आपको पता ही होगा, इसका कितना होता है 0.1 माइक्रोन होता है, इसका 0.1 माइक्रोन होता है, इसका 0.001 माइक्रोन होता है, और इसका 0.0001 माइक्रोन होता है। तो जैसा कि हम लोग उसमें डिस्कस किए कि माइक्रोन फिल्ट्रेशन द्वारा क्या चीज ट्रैप होता है, तो हमारा जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसको पास नहीं होने देता है, बैक्टीरिया को भी पास नहीं होने देता है, लेकिन हमारा वायरस यहां से पास हो जाता है, ये जो हमारा मल्टी वैलेंट आयंस है वो पास हो जाते हैं, ये भी पास हो जाएगा, और ये हमारा पानी भी पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा क्या होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा सस्पेंडेड सॉलिड ट्रैप हो जाता है, बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है, और पानी में मौजूद वायरस भी इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। तो क्या बाकी बचा, तो हमारा पानी के अंदर जो हमारा मल्टीवेलेंट आयन है वो निकल जाता है, यानी साल्ट्स जो है वो निकल जाता है, और हमारा यहाँ से पानी निकल जाता है। ठीक है, नैनो फिल्ट्रेशन द्वारा क्या होगा, तो देखिये ये तो हमारा ट्रैप हो ही जाएगा, हमारा वायरस भी बैक्टीरिया भी, ये तीनों चीज क्या होगा, ट्रैप होगा, और साथ ही साथ ये जो हमारा मल्टी वैलेंट आयंस है इसमें से कुछ अमाउंट में हमारा मतलब रुक जाता है और कुछ पार्ट इसका निकल जाता है, यानी कि 90% मान लीजिए हमारा ट्रैप हो गया, तो 10% हमारा यहाँ से निकल जाता है, और बाकी ये जो है हमारा जो मोनो साल्ट्स होते हैं, जो मोनो आयंस होते हैं, मोनो वैलेंट आयंस, वो हमारा यहाँ पे ट्रैप नहीं होता है, ये निकल जाता है, और यहाँ से हमारा वाटर भी निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, लास्ट मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, इसमें से हमारा केवल पानी ही पास होगा, बाकी ये सब जितने भी है, यानी कि मोनो हुआ, डाई हुआ, या मल्टीपल इसको बोलते हैं, मल्टी बोलते हैं, मल्टी वैलेंट, या हमारा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या हमारा सस्पेंडेड सॉलिड, ये कोई भी यहाँ से पास नहीं होता है, जो भी पास होगा वो हमारा वाटर पास होगा। तो याद रखने के लिए इस चार्ट को हमने प्रिपेयर किया है, उम्मीद करता हूं ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस मेम्ब्रेन द्वारा क्या चीज ट्रैप होता है या क्या चीज ट्रैप नहीं होता है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग को रिवर्स ऑस्मोसिस या नैनो फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।